पीछे हो जाए, थोड़ा पीछे आते रहे, पीछे आते रहे सब लोग, पीछे आइए। चलो ना यार, कौन सी एकदम खराब थी क्या? बीते 24 घंटे में मुजफ्फरपुर पुलिस जिला भर में करीब 4 उपलब्धि हम लोगों ने किया है। प्रथम उपलब्धि मनिहारी थाना के अंतर्गत है, जिसमें एक रजनीश कुमार उर्फ राजा पकड़े गए हैं, जिनके पास से करीब 850 ग्राम चरस जैसा नशीला पदार्थ में पाया गया है। इनके ऊपर पूर्व में जो है आपराधिक इतिहास है, ये 4 बार जेल जा चुके हैं हाजीपुर और मुजफ्फरपुर जिले से। दूसरी घटना जो है आपको मिठनपुरा की है, जहाँ पे मिठनपुरा थाना प्रभारी के नेतृत्व में 3 अपराधी पकड़े गए हैं, जिनका नाम जितेंद्र कुमार और बादल है, विकास कुमार और मोहम्मद सद्दाम है। इनके पास से एक देसी पिस्टल बरामद किया गया है, एक देसी पिस्तौल 12 बोर का बरामद हुआ है और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है, और इन लोगों के पास से 1.5 किलो गांजा भी बरामद हुआ है। ये इनका पूर्व का आपराधिक इतिहास को खंगाला जा रहा है। इसके बाद कांटी में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अपराधकर्मी जो है घटना को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, और ये अपराधी मुकेश पाठक गिरोह के साथ में पूर्व में जो शिवहर और सीतामढ़ी में जो घटनाएं हुई हैं उसमें भी संलिप्त हैं। इनमें छापामारी किया गया। इनके पास से एक कंट्रीमेड कार्बाइन, उसका 2 मैगजीन, 9mm का कारतूस 7 मिला है और कुछ अन्य कारतूस बरामद हुए हैं। इनमें रवि कुमार और प्रिंस कुमार पकड़े गए हैं। प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास पूर्व का है। अन्य आपराधिक इतिहास के बारे में अगल बगल के जिले मोतिहारी और शिवहर और सीतामढ़ी से संपर्क किया जा रहा है। कार्रवाई कहाँ पे है, कुछ मिल पाया है? इसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है, बाद में आप लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। कुल कितने मामले में सर, कितने अपराधी गिरफ्तार हैं? प्रिंस कुमार का आपराधिक इतिहास, जैसा कि मैंने बताया कि इनका आपराधिक इतिहास मोतिहारी, सीतामढ़ी और शिवहर में है, जिसके बारे में इन जिलों के पुलिस से हम लोग संपर्क में है। जैसे अवगत होगा आपको बताया जाएगा। ये अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं। कुल कितनी गिरफ्तारी हुई है सर सभी मामलों में? अभी एक अन्य मामले के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, फिर बताते हैं। एक अन्य मामला सदर थाना का है, जो पूर्व में आपको पारू और मोतीपुर और सदर थाने में एक लूट की घटनाएं, बैंक की लूट की घटनाएं हुई थी, जिसके बारे में SIT ग्रुप को सूचना प्राप्त हुई थी कि इसका एक सक्रिय सदस्य लोकेश ठाकुर अपने जो बैंक के लूटे गए पैसे थे उसमें से कुछ पैसे इसके पास से है, कुछ हथियार भी है, अन्य बैंक से लूटे हुए कागजात इसके पास से है। इसके छापामारी किया गया। छापामारी में कुल जो है इसके पास से 2,01,500 रुपया बरामद हुआ, 2 देसी कट्टा बरामद हुआ, कुछ हथियार जिनके मैगजीन बरामद हुए और 2 कारतूस बरामद हुआ। इस प्रकार से कुल हमारे इन चारों अभियान में 8 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं, और कुछ अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी करने के लिए हमारे जो टीम है वह प्रयासरत रहे। जल्दी ही इनकी गिरफ्तारी की जाएगी। सर ये जो राशि बरामद हुई है किसी बैंक से लूटी गई है या? हाँ, ये बैंक जो है कि पारू और मोतीपुर में विगत फरवरी और मार्च महीने में जो घटनाएं हुई थी उसी का ये पैसा है। जैसा कि जो अपराधी पकड़ा गया है उसने अपने कन्फेशन में बताया है। थैंक यू।